मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राम मंदिर को लेकर के देश भर में राम के लिए जो उतावलापन है वो शायद किसी भी आराध्य देव के लिए हो या ना हो, लेकिन राम भक्तों ने जिस तरीके से एक सपना संजोया है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बने, उसको लेकर के हमेशा से कई सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, कोई सरकार आएगी तो बनवाएगी, और सबसे भरोसा रहा तो वो बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी हर बार वादा तो करती है कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन उस वादे को निभा नहीं पाती है। क्यों, क्या बीजेपी को लगता है कि अगर राम मंदिर बनवा दिया गया तो फिर उसको सत्ता में जो एक वजह मिलती है कि राम मंदिर बनवाने को लेकर कि वो जो वादा करती है और उसी के जरिए वोट बैंक अर्जित करती है, क्या वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? लेकिन अब जनता बहुत समझदार है और बहुत दृष्टि से अपनी एक ऐसी दृष्टि वो बना के रखती है जिससे वो पहचान सकती है कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। यानी कि जो जनता से आप बोल रहे हैं वो जनता के ऊपर यानी कि जनता के सपनों को साकार कर रहे हैं ये नहीं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा है जो जनता से जुड़ा है, और जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मतलब अपने आप की राजनीति ख़त्म करने जैसा है। और बीजेपी को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि लगातार साधु संत इस चीज़ पर आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सत्ता जाने से पहले बीजेपी राम मंदिर को बनवा दे। अब जनवरी तक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाल दिया है, जनवरी में फिर से सुनवाई शुरू होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले क्या राम मंदिर बनेगा, इस पर हिंदू संगठनों का, साधु संतों ने कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ दिया है। और क्या आप कहना है जो साधु संत हैं अयोध्या के, अब उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर तरफ से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसको समझना चाहिए बीजेपी को। अयोध्या के सत्य मित्रानंद जी महाराज ने बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। और ये सत्य मित्रानंद जी महाराज ने कहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, जिसके लिए बाबा रामदेव के बाद अब एक और संत ने हुंकार भरी है। भारत माता जनहित ट्रस्ट के परमाध्यक्ष सत्य मित्रानंद जी महाराज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जल्द ही राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाती है तो वे अपना देह त्याग देंगे। आपको बता दें कि पहले हरिद्वार में हुए ज्ञान कुंभ कार्यक्रम के दौरान पतंजलि योगपीठ के सर्वोसर्वा बाबा रामदेव ने कहा था कि यदि राम मंदिर निर्माण को लेकर कोर्ट में देरी हो रही है तो सरकार उस पर संसद में कानून लाए और राम मंदिर निर्माण कराए। इसके बाद इसी कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर को लेकर फैसला जनता को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भगवान राम जो हैं, राम और अयोध्या की महत्ता के लिए दीपावली के दिन राम के नाम पर दीपक जलाए जाएंगे और इससे अयोध्या राम मंदिर मिशन को मदद मिलेगी। यानी कि हालांकि योगी आदित्यनाथ की मजबूरी ये है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ज़्यादा खुल करके कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर राम मंदिर बनने को लेकर के बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान तैयार करेंगे। अब इसके बाद अब भारत माता जनहित ट्रस्ट के परमाध्यक्ष जो हैं वो महाराज जी ने कहा है कि बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है पद्म भूषण सत्य मित्रानंद ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर राम मंदिर का निर्माण जल्द नहीं हुआ तो वो 6 दिसंबर से वे हरिहर की पौड़ी में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी देह त्यागने की बात कही है। गौर हो कि सत्य मित्रानंद ने वर्तमान शंकराचार्य हैं और उनकी बात को कहीं ना कहीं मानना चाहिए। अब साधु संत होते हैं, कभी गंगा सफाई को लेकर के अभियान छेड़ते हैं, कभी कुछ चीज़ों को लेकर अभियान छेड़ते हैं, तो इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि
यही वो साधु संत हैं जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए और बनवाने के लिए मददगार साबित होते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।